एक खिलाड़ी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए अगर वो हम्बल नहीं है अगर वो अपने साथी खिलाड़ियों की रिस्पेक्ट नहीं करता और सही तरीके से सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता तो मुझे ऐसा लगता है कि उस बड़े खिलाड़ी होकर उसने कुछ कमाया नहीं कई सारे ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जो कि चाहे ऑन फील्ड बात करें चाहे ऑफ फील्ड बात कर लें अपने अग्रेसिव नेचर के कारण काफी बदनाम रहे विराट कोहली के अगर हम करियर के शुरुआती दौर की बात करें तो उनका दौर भी कुछ ऐसा ही रहा था चाहे वो सेंचुरी मारना हो चाहे किसी का विकेट लेना हो चाहे फील्डिंग हो चाहे किसी से इंगेज होना हो बस वो लड़ते भिड़ते ही रहते थे लेकिन हमने वो दौर भी देखा और हमने ये दौर भी देखा कि जब नवीन उलक से इनकी बहस हुई तो वर्ल्ड कप में किस तरीके से उन्होंने पूरी सिचुएशन को हैंडल किया है। नवीन उलक और विराट कोहली वाले फ्यासों के ऊपर हम लोग बात करें उससे पहले हमको जरा बात करनी पड़ेगी गौतम गंभीर के बारे में अब आप बोलोगे कि भाई तुम तो गंभीर के पीछे ही पड़े हो तो भाई ऐसा नहीं दरअसल ए के साथ उनका एक अभी लेटेस्ट पॉडकास्ट रिलीज हुआ है जिसमें कि उनसे स्मिता प्रकाश जी ने विराट कोहली के साथ जो इंसिडेंट हुआ था 2023 के आईपीएल में उसके लेकर बात की गंभीर ने कहा कि जब मैच चल रहा था उस दौरान नवीन उलक और विराट कोहली के बीच में बहसा बहसी हुई अब क्योंकि तब मैच चल रहा था और मैं तब इंटरफेयर कर नहीं सकता था लेकिन यदि आप मैच के बाद में भी मेरे खिलाड़ी से भिड़ रहे हैं तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि लखनऊ सुपर जॉइस और आरसीबी के बीच में जो मैच हुआ था उस मैच में विराट कोहली तो हाथ मिलाने पहुंचे थे लेकिन नवीन उलक ने ही वहां पर जाकर बदतमीजी करी थी और विराट कोहली का हाथ खींचा उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी और उसके बाद फिर वो लड़ाई बढ़ गई थी जबकि गौतम गंभीर इस पूरी लड़ाई में बीच में आए थे अब गौतम गंभीर तो देखिए हम लोग गौतम गंभीर का जो रिश्ता रहा है विराट कोहली से उसके बारे में हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं विराट कोहली के बारे में ज्यादा ये तारीफें करना पसंद करते नहीं है और उनको मुझको तो ऐसा लगता है कि एक, एक अच्छा खिलाड़ी भी शायद किसी के प्रेशर में ही आके मानते होंगे और देखिए ऐसा होता है क्योंकि विराट कोहली जिस एरिया से आते हैं दिल्ली से वहीं से गौतम गंभीर भी निकले हैं और एक ही एरिया से निकलने के बाद जब आपका जूनियर खिलाड़ी इतना अच्छा खिलाड़ी बन जाए तो जाहिर सी बात है जलन की भावना तो अंदर आ ही जाती है अब ऐसे में में विराट कोहली तो शायद गौतम गंभीर के बारे इतना सोचते भी नहीं होंगे लेकिन गौतम गंभीर जो है सिर्फ इनके बारे में ही बात करते रहते इनकी बुराई करते रहते सिर्फ इनकी नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी को लेकर भी इंडायरेक्टली काफी कुछ बातें कही खैर ये अब गौतम गंभीर का एक तरीका है और कहीं से कहीं तक भी हम इनके रवैये को एक बड़े खिलाड़ी का रवैया तो बोल ही नहीं सकते तो बात करें दूसरी तो दूसरी बात आ जाती है विराट कोहली नवीन उलक की दरअसल जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो वर्ल्ड कप शुरू होते ही नवीन उलक को काफी ज्यादा ट्रोल किया जाने लगा क्योंकि आईपीएल के बाद में नवीन उलक भारत खेलने के लिए दोबारा आए थे और लोग भूले नहीं थे कि विराट कोहली से इनकी बहस कैसी हुई थी वो जहां जा रहे थे पब्लिक उनके पीछे पड़ी हुई थी हर तरीके से उनको टॉक मॉक किया जा रहा था ऐसे में जब अफगानिस्तान का मैच आया भारत के साथ में तब विराट कोहली के बारे में नवीन उलक ने खुद बताया कि जब विराट कोहली मैदान में आ रहे थे तभी उन्होंने नवीन उलक से बातचीत करी और कहा कि इस पूरे मामले को हम लोग खत्म करते हैं और नवीन उलख और विराट कोहली ने उस पूरे मामले को खत्म कर दिया और इसके बाद में जब क्राउड नवीन उलक को एक बार फिर से मौक कर रहा था तब विराट कोहली ने खुद ही अपना हाथ दिखाते हुए पब्लिक को शांत किया था कि भैया अब इस पूरे मैटर को खत्म करते हैं अब इसको आगे नहीं बढ़ा अब यह एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि आप मैदान पर जाकर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं एक ऐसा खिलाड़ी जो कि शायद आपसे मदद मांगने में भी घबराता आप उसकी किस तरीके से मदद कर रहे हो ना कि आप सिर्फ बैठकर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो सिर्फ आलोचना करना शुरू कर दो सिर्फ सामने वाले को नीचा दिखाना शुरू कर दो बात दरअसल है कि जब आप दूसरे को गंदा करने के लिए कीचड़ में पत्थर फेंकते हो ना तब उस कीचड़ के छीटे आपके ऊपर भी आते हैं और कुछ खिलाड़ियों को ये ही एक सिंपल सी बात हुई समझ में नहीं आती अब विराट कोहली ने फील्ड के ऊपर जो भी कुछ किया लेकिन फील्ड के बाहर जो चीजें वो करते हैं उससे उन चीजों को लेकर बातें क्लियर हो जाती गौतम गंभीर भी काफी सारे काम करते हैं गरीबों को खाना खिलवाते हैं लेकिन क्या है कि कई लोग जो हैं वो गौतम गंभीर के अग्रेसिव बिहेवियर को लेकर काफी बार बोल चुके हैं कि भाई ये कुछ जरूरत से ज्यादा हो जाता है अब गौतम गंभीर का देखिए अपना एक तरीका है कि भाई वो किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हैं वहीं पर अगर हम बात करें तो अभी जो उनका पूरा मामला श्रीसंत के साथ में वो तो काफी वायरल हो ही रहा है ऐसा श्रीसंत को ही उल्टा उस पूरे मामले में नोटिस भेज दिया गया है कि आखिर आपने खिलाड़ी के बारे में इस तरीके से बात करते हो सोशल मीडिया पर वीडियो कैसे डाल दी आपको वीडियो हटानी पड़ेगी तो इस तरह की कई सारी चीजें हैं जो इस समय अभी चल रही हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड में लेकिन गौतम गंभीर एक बार फिर से सुर्खियों में है और कारण है भाई लड़ाई झगड़ा फील्ड के ऊपर तो यहां पर कई बार ऐसी चीजें देखने के लिए मिलती है कि एक बड़ा खिलाड़ी जैसे जैसे अपने गेम में इंप्रूवमेंट करता जाता है जैसे जैसे अपने खेल में आगे बढ़ता जाता है तो वो काफी ज्यादा हम्बल होता जाता है तो मतलब हमने देखा था कि शुरुआत में जब विराट कोहली आया था तो उसका एटीट्यूड ही अलग था जिस तरीके से वो गाली गलौच करता था जिस तरीके से चिल्ला चोट करता था वो बहुत ज्यादा अलग था लेकिन आज की तारीख में अगर आप विराट कोहली के गेम को देखेंगे तो वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है अभी जो वर्ल्ड कप खत्म हुआ है पचास ओवर का उसमें विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाया है किसी भी टीम की तरफ से खेलते हुए तो ऐसे में विराट कोहली एज अ प्लेयर तो इवॉल्व हुए ही है लेकिन एज अ इंडिविजुअल भी वो काफी ज्यादा इवॉल्व हो गए और इसीलिए आज की तारीख में आप देखेंगे कि 50 सेंचुरी मारने के बाद भी बंदा कोई गाली गलोच नहीं करता है कोई उछल कूद नहीं करता है शांति से सेलिब्रेट करता है जबकि उसके खुद के आइडल वहां मैदान में बैठे हुए हैं उसकी धर्मपत्नी वहां पर बैठी हुई है उसके बावजूद तो एज अ क्रिकेटर गौतम गंभीर का तो खैर मैं नहीं कह सकता लेकिन विराट कोहली वाकई में बहुत ग्रो कर चुके हैं और इस बात से अगर गंभीर समय रहते कुछ चीज सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा वरना करियर उनका कितना ही लस्टियस क्यों ना रहा हो ये लड़ाई झगड़े उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे मेरे जो उतना ही जय हिंद जय भारत